वाला सर क्या मामला था? सिंधिया में एक पीड़िता के द्वारा जो है सोशल मीडिया के माध्यम से गुहार लगाई गई थी कि मतलब उसके घर वाले उसको यौन शोषण हेतु पैसा लेकर उससे यौन शोषण करवाते हैं, और इस संबंध में संज्ञान लेते हुए हम लोगों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पीड़िता सुरक्षा को देखते हुए भी पुलिस के निरीक्षण में लिया गया और पूछताछ हेतु उसके माँ पिता को भी बुलाया गया और पूछताछ की गई। तो उसने पीड़िता ने जो है एक लिखित आवेदन महिला थाने में दिया है, जिसमें उसने जिन जिन लोगों को पहचान पाई है उसके बारे में बताया है, और बताया है कि इसके माँ पिता जो है पैसा लेके लोगों से इसके साथ यौन शोषण इसका करवाते थे, जिसमें एक कौशल नाम के व्यक्ति की का नाम आया है उसमें, एक थाने के पदाधिकारी हैं मनोज चौधरी, उनका भी नाम वो बता रही है। एक अलग से वीडियो हम लोगों को प्राप्त हुआ था जिसमें एक व्यक्ति का इस पीड़िता के साथ छेड़छाड़ करते हुए पाया गया है, जो बगल में ही फल बेचता है, और उसको हम लोगों ने पूछताछ हेतु रिटेन किया था और उसे पकड़ लिया गया है, गग्गू मंडल नाम है। तो इतने लोगों के बारे में उसने बताया है और लोगों को ये पहचान नहीं रही है। इसने अपने एक प्रेमी है उसके साथ अपने मामले को बताया था करीब 3-4 महीना पहले, लेकिन वो पुलिस के पास उस मामले को ना ले जाकर इधर उधर भटकता रहा, और जो है बाद में सोशल मीडिया के माध्यम से इस मामले को उठाया गया। पुलिस के पास कभी भी कोई इस तरह का मामला जो है कोई भी न पीड़िता की तरफ से न जिनको जानकारी थी, जो उसका दोस्त है प्रेमी है कह रहा है उसको जो है जानकारी थी, लेकिन उसने जो है कोई सूचना नहीं दी। गिरफ्तारी सर कितने लोगों को हुई है? अभी जो है उसके माँ पिता और गग्गू मंडल ये पुलिस की हिरासत में, और बाकी और लोगों को जो है जो भी इसमें दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई होगी। और इसमें सर जो पीड़िता का जो प्रेमी है उसके ऊपर कोई आरोप है या कुछ? नहीं, वो कोई आरोप नहीं है, मतलब उसको मदद किया करता था लेकिन